किसी भी नॉर्मल डे पर कोई स्पेशल डिश बनाने या इन्जॉय करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हो या फिर कोई स्पेशल प्रिपरेशन हो। शेफ की रीत दिखाने का मौका आपको हर रोज़ मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट रेसिपी। तो चलिए आज हम और आप मिलकर थोड़ी शेफ की रीत दिखाते हैं और बनाते हैं एक बेहद लजीज और सुपर क्विक डिश, थाइम पेक चिकन। सो फर्स्ट थिंग, मैं अपने चिकन को इस ग्रिडल पैन पे थोड़ा ग्रिल कर लूँगी। चिकन को ऐसे ग्रिल करने से दो फायदे होते हैं। सबसे पहली बात तो इसका फैट रेंडर होकर पैन में आ जाता है, तो चिकन थोड़ा जल्दी कुक होता है। और दूसरी बात, चिकन को एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन टेक्सचर मिल जाता है। सो चिकन इज़ नाउ नाइसली गोल्डन ब्राउन। आई एम गोइंग टू ऐड होल गार्लिक, लॉट्स ऑफ इट, जस्ट ऐड इट लाइक दैट, नो चॉपिंग झमेला एट ऑल। और थोड़ा मिक्स कर लीजिए। अब हम पैन को थोड़ा डीग्लेस करेंगे विद वाइट वाइन। आप में से कुछ लोग जो वाइन को लेके थोड़ी चिंतित हैं, मैं बता दूं कि जैसे हम वाइन को पैन में ऐड करते हैं, अल्कोहल बर्न हो जाता है एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज दैट नाइस स्वीट फ्लेवर ऑफ वाइन। अब हम इसे बॉईल होने देंगे करीब 2 से 3 मिनट के लिए। तो वाइन थोड़ी रिड्यूस हो गई है, अब मैं ऐड करूँगी थाइम। मैं फ्रेश स्प्रिक्स ऑफ थाइम यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको नहीं मिलती है तो आप ड्राई थाइम भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लॉट्स ऑफ लेमन जूस, थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर। इट्स ऑलरेडी रिलीजिंग नाइस एरोमा ऑफ थाइम, यू नो, थोड़ा सा पेपर। अब हम ऐड करेंगे इसमें मेरा फ्रेश चिकन स्टॉक। अब हम इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक के लिए बॉईल होने देंगे। सो स्टॉक अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। अब मैं इस पूरी डिश को अपने बेकिंग डिश में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप चाहें तो इसे पैन में भी पका सकते हैं, बट ज़्यादा देर तक पैन में पकने से चिकन थोड़ा टफ हो जाता है, और यही आप इसको अगर अभी ओवन में पकाएंगे तो चिकन और मॉइस्ट और टेंडर रहेगा। तो बस अब हम इसे थोड़ा फॉइल पेपर से कवर कर देंगे, और अब बस आप जा करके आराम से टीवी देखिए, क्योंकि आपका सारा काम ख़त्म और ओवन का चालू 200 डिग्रीज पे सिर्फ 20 मिनट के लिए। सो 20 मिनट्स आर ओवर एंड आई एम गोइंग टू चेक ऑन माय डिश। ओह माय गॉड, मैं रियली वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इसे कितनी अच्छी सी स्मेल आ रही है थाइम और वाइन की। सी अ फोक can totally go inside. This means chicken is properly cooked. इस delicious chicken dish को एक proper meal में convert करने के लिए या तो आप थोड़ा bread grill कर सकते हैं, या फिर थोड़ा salad बना सकते हैं, या फिर fried rice, या फिर pasta बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। But do get into your kitchen and start cooking. And if you like our videos, don't forget to subscribe to our channel.